दोस्तों कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पहले के बादशाहों से लेकर आज के आम आदमी तक हर कोई सोने के पीछे पागल है। लड़कियों के बारे में तो हम क्या ही कहें, चाहे आपकी बीवी नाराज हो या गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो, रिंग से लेकर हार तक सोने का कोई भी आइटम इस काम को आपके लिए बेहद आसान कर देता है। और फिर दिवाली के त्योहार के दौरान तो सोने की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सोने से जेवर कैसे बनते हैं, पर एक सवाल तो कभी ना कभी आपके दिमाग में आया ही होगा कि आखिर ये सोना बनता कैसे है। अगर आपको भी नहीं पता तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम आपको सब बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोना आता कहां से है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे निकाला कैसे जाता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती चीजों का भंडार है। पीने के लिए पानी, सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं से लेकर पेट्रोलियम तक सब उस गहराई में मौजूद हैं। अगर सोने की बात करें तो वो एक प्राकृतिक रूप में पैदा होने वाला एलिमेंट है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोना फॉसिल से धरती के अंदर तैयार हुआ था, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मेटियोर्स की बारिश हुई थी, जिसके बाद सभी प्रकार के धातु धरती के अंदर गहराई में समा गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि रसायन विज्ञान या केमिकल रिएक्शन के जरिए सोने का निर्माण करना संभव नहीं है। अब दोस्तों आपको तो यह पता चल ही गया कि सोना हमारी धरती के अंदर से निकलता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि धरती के कौन से हिस्से में सोना है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के नीचे या गार्डन में सोना है या नहीं? चलिए बताते हैं। जमीन के अंदर सोना पता करने के लिए सबसे पहले भूवैज्ञानिक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार GPR का इस्तेमाल कर भूमि में सोने की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ये रडार जमीन की मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों की मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है और इसके आधार पर ग्राफ तैयार करता है, फिर अनुमान लगाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। इसके बाद सटीक जानकारी के लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर थोड़ा मलबा बाहर निकाला जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। इस तरीके से जमीन के नीचे मौजूद धातु की सही जानकारी निकालकर जमीन को खोदना शुरू किया जाता है। चलिए अब जब सोने का पता चल गया है तो देखते हैं कि इसे निकाला कैसे जाता है। आमतौर पर सोना बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, हालांकि इसे सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड से भी निकाला जा सकता है। वैसे समुद्री पानी से भी सोना निकाला जा सकता है, लेकिन एक टन पानी से एक ग्रेन सोने का लगभग 40वां हिस्सा ही मिलता है। इसे निकालने में खर्चा इतना आ जाता है कि बचता ही कुछ नहीं। अब ये तो वही बात हो गई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सोना आमतौर पर दो तरह के डिपॉजिट में पाया जाता है, लोड या वेन डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। अब ये आपके सर के ऊपर से हो गया होगा तो हम इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला था लोड या वेन डिपॉजिट। सोना चट्टानों की वेन यानी छोटी दरारों में एक चमकीले पत्थर रूपी दूसरे खनिज के साथ मिक्स होता है, जो आसपास की चट्टानों में विभाजन भर देता है। सोने को आसपास की चट्टानों में ड्रिल या ब्लास्ट करके निकाला जाता है। वहीं लोड यानी बड़ी दरारें जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाती हैं। जमीन के अंदर माइनिंग के लिए माइनर्स वेन के साथ खुदाई करते हैं और इसके बाद नुकीले औजार या छोटे विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सोने के ओर को चट्टानों से अलग कर देते हैं। अब सोने को इकट्ठा कर रिफाइनिंग के लिए मिल में भेज दिया जाता है। दूसरा होता है प्लेसर डिपॉजिट। ये गोल्ड ओर के बड़े टुकड़े और दाने होते हैं जो कि लोड डिपॉजिट से नदी की धारा के साथ बहकर आ जाते हैं और सामान्य तौर पर रेत या कंकड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। प्लेसर डिपॉजिट को माइन करने के लिए तीन मुख्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक माइनिंग, ड्रेजिंग और पावर शॉवलिंग। इन सभी तरीकों में ग्रेविटी का इस्तेमाल बेसिक छिटाई बल के तौर पर किया जाता है। और अब जब ओर हमारे पास आ गया है तो अब हम देखते हैं कि इस ओर में से सोना कैसे निकाला जाता है। सोने को ओर से अलग करने के लिए कई मेथड्स हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल किया जाता है। सोना निकालने के लिए कौन सी माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, ये डिपॉजिट के प्रकार पर ही डिपेंड करता है। माइनिंग तकनीक से सोना निकालने के बाद इसे रिफाइन करने के लिए चार प्रोसेसेस में से एक का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है फ्लोटेशन, साइनाइडेशन, एमलगेमेशन और कार्बन इन पल्प। और कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है ओर की पिसाई पर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं अब उन प्रोसेस के बारे में। फ्लोटेशन। इस प्रोसेस में सोने को ओर से अलग करने के लिए हवा और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ओर को एक खोल में डाला जाता है जिसमें फ्लोटिंग एजेंट जो पानी में झाग पैदा करता है, एक कलेक्टिंग एजेंट जो सोने के साथ जुड़कर एक ऑयली फिल्म बनाता है जो एयर बबल्स पर चिपकती है,
और एक ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिश्रण जो कि दूषित पदार्थों को एयर बबल्स के साथ चिपकने से बचाता है, तीनों को डाला जाता है। अब पानी में हवा या गैस मिलाई जाती है और बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है, ये बुलबुले पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और सोने को बुलबुलों की लेयर के साथ अलग कर लिया जाता है। साइनाइडेशन, इस प्रोसेस में भी सोने को इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या ओर को साइनाइड के कमजोर घोल वाले टैंक में रख दिया जाता है। इसके बाद जिंक को टैंक में डाला जाता है, जिंक की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और अंत में सोना ओर से अलग हो जाता है। अब सोने को फिल्टर कर साइनाइड घोल से अलग कर लिया जाता है। एमलगेमेशन, एमलगेमेशन प्रोसेस बिल्कुल साइनाइडेशन प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स थोड़े अलग होते हैं। इसमें सबसे पहले ओर को प्लेट्स के ऊपर एक घोल में रखा जाता है जिसे मर्क्यूरी के साथ ढका जाता है। मर्क्यूरी सोने को अट्रैक्ट करता है और एक अलॉय बनाता है। अब इस अलॉय को गर्म किया जाता है जहां मर्क्यूरी उबलकर गैस में तब्दील हो जाती है और सोना वहीं रह जाता है। मर्क्यूरी को इकट्ठा करके रिसाइकल कर दोबारा इसी प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कार्बन इन पल्प, इस मेथड में भी साइनाइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सोने को अलग करने के लिए जिंक की जगह कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले ओर को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार किया जाता है। अब सोने को घोलने के लिए साइनाइड को शामिल किया जाता है और उसके बाद गोल्ड के साथ बांधने के लिए कार्बन डाला जाता है। इसके बाद कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग कर दिया जाता है और इन्हें गर्म कास्टिक कार्बन सॉल्यूशन में रखा जाता है जो सोने को कार्बन से अलग कर देता है, और इसमें से निकले हुए सोने से बिस्किट, प्लेट्स और ज्वेलरी बनाई जाती है जिसमें 24 और 22 कैरेट होता है। अगर आपको ये भी जानना है कि कैरेट क्या भला है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।